वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी फॉर बाइक। दोस्तों आज हम बात करेंगे और एक अपकमिंग बाइक के बारे में। इंडिया में ज़्यादातर लोग कैमको मोटरसाइकिल ब्रांड के बारे में नहीं जानते जितना कि कावासाकी और केटीएम के बारे में जानते हैं। तो कावासाकी निंजा 300 और केटीएम ड्यूक 390 के साथ कॉम्पीट करने के लिए कैमको ने उनके के राइडर 400 को ग्लोबली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो कैमको ने इस बाइक को इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च कर सकते हैं। तो चलिए इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ जानते हैं। कैमको एक ताइवानीज ब्रांड है और इस कंपनी के बाइक्स ज्यादातर अदर एशियन मार्केट में देखने को मिलते हैं। के राइडर 400 एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक होने वाला है। इंडिया में भी के राइडर 400 जो लॉन्च होने वाला है सेम उसी टाइप का होने वाला है, सिर्फ इसके ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। के राइडर 400 की इंजन की बात करें तो इसमें 399cc की पैराल ट्विन लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 43.5 BHP की पावर और 7 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारे एडवांस और यूजफुल फीचर्स कंपनी प्रोवाइड करेगा। इसके ब्रेक्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में 300mm की डुअल डिस्क और रियर में 240mm की सिंगल डिस्क, जो कि आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिल जाएगा। इसके सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके फ्रंट में प्री लोडेड एडजस्टेबल USD फॉक्स और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक्स देखने को मिलेंगे। बस यही थी इस बाइक के बारे में कुछ अपडेट, और बाइक लॉन्च होने के बाद इस बाइक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।